हाय व्यूअर्स, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखिए, आज जो इस सर्दी का मेरा कलेक्शन है, तो यहाँ देखिए मैंने ये पोंचू बनाया है और इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो डाल चुकी थी। और मैं इस डिजाइन का, जो पोंचू का डिजाइन मैंने बनाया है और पूरा पोंचू बनाया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप वहां जाके इसे बड़े आराम से बना सकते हैं। और ये मैंने वर्धमान की बेबी वूल सॉफ्ट वूल से बनाया है और यहां पे मैंने 2 9 नंबर की सिलाई से बनाया इसे। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, जब एंड में आके यहाँ पे नीचे मैंने यहाँ आके क्रोशिए से थोड़ा ये मैंने वर्क किया है, फिर ये छोटे छोटे मैंने लटकन लगाए हैं। तो उसके बाद फिर मैं एक और आप लोगों को दिखाती हूँ। छोटी बच्ची के लिए मैंने ये पोंचू बनाया है। पोंचू कह लीजिए, श्रग बोल लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ये देखिए, ऐसे बहुत ही यूनिक सा मैंने बनाया और 9 नंबर की, और वही बेबी वूल सॉफ्ट वूल है ये। 9 नंबर की सिलाई से मैंने इसे बनाया है। और ये 1 साल से 1.5 साल या 2 साल की बच्ची को बड़े आराम से आ जाएगा बनाने को। तो ये वैसे अगर किसी का बच्चा ज़्यादा ग्रोथ वाला, अच्छी हेल्थ है, तो वो 8 महीने 6 महीने के बच्चे को भी बड़े आराम से आ जाए। अगर पतला दुबली है तो उसको ये 1 साल तक बड़े आराम से इसे आ जाएगा। ये मैंने गले से स्टार्ट किया है और नीचे की तरफ को मैंने बनाया है इसे। और ये मैंने एक, जैसे बच्चों को सर्दी ना लगे, मैंने एक छोटा सा इनर बनाया है। इसके बाद मैंने फिर एक, ये भी छोटी बच्ची के लिए मैंने बनाया है। इसे गले से मैंने स्टार्ट किया और नीचे की तरफ को बनाया है। फिर मैंने ये पॉकेट बनाई है। पॉकेट मैंने अलग से बनाकर इसके साथ मैंने अटैच की है। और यहाँ पे मैंने ये हाफ बाजू का बनाया है। ये भी मैंने वर्धमान की वूल और 10 नंबर की सिलाई से बनाया है। ये 1 साल 1.5 साल की बच्ची को बड़े आराम से आ जाएगा। और इसके साथ मैंने ये 2 छोटे छोटे मोजे बनाए हैं। और ये मैंने कैप बनाई है। फिर उसके बाद फिर मैंने ये छोटे बच्चों के लिए मैंने बनाया है। ये देखिए, इसे भी मैंने नीचे से ऊपर की तरफ को बनाया है। ये भी बेबी वूल सॉफ्ट वूल और 9 नंबर की सिलाई से बनाया है। 9 या 10 नंबर की, इस वूल को हम 9 या 10 नंबर की सिलाई से बना सकते हैं। और इसके साथ मैंने ये एक कैप बनाई है। फिर ये मोजे बनाए हैं, पूरा सेट बनाया है। और इसके बाद फिर मैंने एक और, ये देखिए, ऐसे करके ये डिजाइन बनाया है, छोटे बच्चे के लिए बनाया है। जैसे गार्डन में छोटे छोटे फूल खिले हों बगिया में। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा लगता है ये, और बनाने में बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है ये। और ये भी 1 साल 1.5 साल के बच्चों को बड़े आराम से आ जाएगा। इसके साथ मैंने ये छोटे छोटे 2 मोजे बनाए हैं और ये मैंने एक कैप बनाई है। ये देखिए, और ये मैंने थोड़ा बड़ी लड़की के लिए बनाया है। यहाँ देखिए, ये थोड़ा सा बड़ी लड़की के है। ये देखिए, इसको आप फ्रंट से भी पहना सकते हैं और बैक साइड, दोनों साइडों से हमें इसे पहना सकते हैं। 2 in 1 ये गला है हमारा। ये भी मैंने बेबी वूल सॉफ्ट वूल 10 नंबर की सिलाई से मैंने इसे बनाया है। और ये 3 साल की बच्ची को बड़े आराम से आ जाएगा। और उसके साथ फिर मैंने एक कैप बनाई है। ये देखिए, बहुत ही यूनिक सी कैप, ईयर फ्लैप मैंने ये कैप बनाई है। और 2 मैंने यहाँ पे पम्पम लगाए हैं। जब बच्चे पहनते हैं तो ये पीछे लटके हुए ना, बच्चों को बहुत सुंदर लगते हैं। फिर उसके बाद मैंने एक और, ये भी थोड़ी बड़ी लड़की के लिए बनाया है। 3 साल 4 साल की लड़की को बड़े आराम से आएगा। ये देखिए, और इसका गला भी आप ये देखिए, ये इसका बैक है। ये फ्रिल वाला बनाया ऐसे करके, ये इसमें डबल फ्रिल।
ये मैंने 9 नंबर की सिलाई से वर्धमान की वूल से मैंने इसे बनाया है। और ये मैंने बुआई के लिए बनाया है, ये गंगा एक्रो वूल, उससे मैंने उस वाली ऊन से बनाया है और 10 नंबर की सिलाई का मैंने यूज किया है। और इसके साथ मैंने ये पम्पम वाली जिसके डबल पम्पम लगते हैं, ये मैंने कैप बनाई है। तो फिर देखिए एक मेरी फ्रॉक और आई है, ये देखिए मस्टर्ड कलर में बनाया मैंने इसे, ये देखिए। और ये मैंने बनाई है 3 साल से, 4 साल या 5 साल की बच्चों को बड़े आराम से आ जाएगी। 9 नंबर की सिलाई से मैंने इसे बनाया, लेकिन मैंने जो नीचे की जो ये घेरा बनाया है ये मैंने 8 नंबर की सिलाई से बनाया, क्योंकि इसे लूज लूज बनाना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 8 नंबर की सिलाइयों का यूज़ किया है। और जो मैंने यहाँ पे बेल्ट बनाई है, बेल्ट मैंने यहाँ पे 11 नंबर की सिलाई से बनाई है। तो एक फिर मैंने ये देखी, यहाँ पे मैंने ये बॉय और गर्ल दोनों ही पहन सकते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ को मैंने इसे बनाया है। और ये भी मेरी लच्छू की वूल है, वर्धमान की सॉफ्ट वूल है। और ये बॉय और गर्ल दोनों ही पहन सकते हैं। तो यहाँ देखिए, तो इसकी साथ में इसी के साथ मैंने ये कैप बनाई है, इसको मैंने ऐसे करके फोल्ड कर दिया है ये। और इसका ये देखिए मैंने अलग से ये थोड़ा सा ऐसे लटकने वाला मैंने ये यहाँ पे लटकन लगाया है, थोड़ा सा लटके नीचे को ये। और इसके साथ मैंने ये छोटे छोटे मोजे बनाए हैं। और एक और फिर ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे बनाया है, एक साल से 1.5 साल के बच्चे के लिए बड़े आराम से इसे आ जाएगा। आने को तो ये 6 महीने से 1.5 साल 2 साल के बच्चे को भी आ जाएगा। और वही बेबी वूल, बेबी कलेक्शन है तो बेबी वूल से ही मैंने सब बनाया और 10 नंबर और 11 नंबर की सिलाइयों का यूज किया है। और उसके साथ मैंने ये एक कैप बनाई है, और कैप के साथ मैंने ये मोजे बनाए हैं। तो और देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सबसे यूनिक और बहुत ही प्यारा सा स्वेटर है, ये मैंने बनाया, ये भी मैंने सॉफ्ट वूल बेबी वूल से ही बनाया है, लच्छू की वूल है, गोला बनाया है इसका मैंने। और जो मैंने यहाँ पे इसका जो डिजाइन डाला है, डिजाइन मैंने बहुत ही हटके और बहुत ही सुंदर डिजाइन डाला है, ये देखिए। और इसे मैंने 9 नंबर, मैंने यहाँ पे जितना कलेक्शन ये बनाया है मैंने 9 नंबर 10 नंबर की सिलाइयों का यूज किया है, और क्रोशिए का यूज मैंने वो 11 नंबर के क्रोशिए का यूज किया है। और ये मैंने नीचे से ऊपर की तरफ से बनाया है। और ये ड्रेस जो मैंने बनाया है ये बड़ी लड़की के लिए, जैसे कि 3 साल से 4 साल 5 साल की लड़की को बड़े आराम से आ जाएगा ये। और बाजू पर मैंने ये थोड़ा डिजाइन डाला, फिर यहाँ पे आके फिर मैंने यहाँ पे गले पे डाला है। अगर गला बड़ा लगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन मैंने यहाँ पे डोरी के लिए है कि जैसे हम यहाँ पे बांध सके ऐसे। और क्रोशिए से मैंने ये जैसे मैंने पम्पम मैंने मल्टी गले में लेके दोनों ऊन को मिला के मैंने बनाया, ऐसे ही मैंने डोरी बनाई है, क्रोशिए से बनाई है। और 11 नंबर का क्रोशिए का मैंने यूज किया है, और 11 नंबर के क्रोशिए से ही मैंने ये फूल बना के यहाँ पे लगाया है, और एक बीच में मैंने ये मोती लगाया है। तो दोस्तों ये था मेरा इस सर्दी का कलेक्शन, बेबी कलेक्शन वर्धमान की वूल सॉफ्ट वूल। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जब भी मेरे आप नए नए सुंदर सुंदर प्यारे 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 डिजाइन देखने को आप लोगों को मिल सकेंगे। और इस डिजाइन का जितनी मैंने वीडियो डाली है इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर सारे कलेक्शनों का लिंक आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं उन लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि और व्यूवर्स मेरे वीडियो के साथ और जुड़ें और नए नए कलेक्शन देखें
और अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए, दोस्तों के लिए ऐसे सुंदर सुंदर गिफ्ट बना के उनको आप गिफ्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।